बसमानी नीम मैं मूँ आपका मेजबान साबिर शाहफाकी दारालकूमत इस्लाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इतलात एक खबर होगी पिशावर से एक लाहौर से और एक इस्लामाबाद से मामला काफ़ी संजीदा बहुत ही हसास और इंतहाई अहम नौत की डेवलपमेंट हो रही है पसे पर्दा और कुछ नज़र भी आना शुरू हो गया लेकिन जो जाति उम्र और ख़ासतौर पर मरीम साहबा पंजाब हुकूमत वहाँ से जो चीखों पुकार और इल्ज़ाम की बारिश हो रही है और जहरीला प्रपगंडा शुरू कर दिया गया है उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक जाल बुना गया था इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस जाल में काफी ज्यादा छेद हो गए हैं और उसमें काफी दराड़ें आ गई हैं सूरत हाल कुछ इस तरीके से है आपसे ये, तो ये बता दूं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है मरीम साहिबा जाति उमरा फॉर्म सैतालीस की हुकूमत इसके कई रूप हैं और इसके जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक रूप हैं वो ये हैं कि ये इंतकामी बहुत हैं और किसी भी सूरत में ये इंतकाम लेना बहुत अच्छा जानते हैं और वो खा फौजी क्यादत से लेना हो खा वो जुडिशरी से लेना हो खा वो ब्यूरोसी से लेना हो या जर्नलिस्ट से लेना हो इंतामी सियासत इनके कूट कूट कर इनमें भरी हुई है और फिर ये कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए इनसे किसी खैर की तो नहीं की जा सकती इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें ये अभी भी फौजी क्यादत के खिलाफ भी और ये काजी फाईस साहब के खिलाफ भी इन्होंने बोलना है जुडिशरी के खिलाफ भी, भी बोलेंगे क्योंकि जैसे ही कोई फैसला इनके खिलाफ आएगा और हकीकत सामने आ जाएगी तो इनके पसीने छूट जाएंगे तो इसीलिए मरीम साहब अब जहर उगलना शुरू हो गई है और जहर भी ऐसा कि आप तस्वर नहीं कर सकते मुनाफरत फैला रही है और उन्होंने कल एक तकरीब में खिताब किया और तकरीब में खिताब करके उन्होंने पख्तूनों को कातिल पखतूनों पर अपना जहर उगला ख़ैबर पखतूखा पे खैबर पखतूखा की हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और ये काम पहले भी वो कर चुके हैं पखतूनों पर इसी तरह के इल्ज़ाम पहले भी आयद कर चुके हैं और इससे इनको मिलेगा क्या सिर्फ़ इस लिए कि खैबर पखतूनखा में पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ की हुकूमत है और खैबर पखतूनखा के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ और इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और ईया पनाबिया कनस्तिन कहते हैं और खैबर पख्तूनखा के जो हमारे पख्तून बहन भाई हैं उन्होंने पिछले इतने अरसे से इतनी ज्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कि शायद ही कोई और कम्यूनिटी ने दी हों क्योंकि तकरीबन पहले अफगानिस्तान की जंग रशिया के साथ चलती रही उसमें हम हिस्सेदार थे उसमें खैबर पख्तूनखा डिस्टर्ब हुआ फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनखा डिस्टर्ब हुआ सबसे ज्यादा जो खून बहाया गया और जो शहादतें हुई वो सब की सब खैबर पख्तूनखा में हुई और पख्तूनखा के आवाम को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है और वहाँ की सियासी लीडरशिप हो, हो वहाँ के टीचर्स हों वहाँ के हों वहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हों सब ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी वहाँ की जनरल्स कम्यूनिटी हो लेकिन मरीम साहबा ने अब एक और इल्ज़ाम लगा दिया है कि अपनी नाहली अपनी कोताहियाँ और एक डोर जो है डोर जो है वो होती है जिससे गला कट जाता है और उसमें धात वाली जो है डोर पतंग उड़ाने के लिए वो वाकत हुए पंजाब में अब मैं बच्चा बच्चा जानता है कि ये सब कुछ वहीं पे होता है लेकिन उन्होंने इस वाक्य को भी जोड़ दिया खैबर पख्तनखा पे और खैबर पख्तनखा पे इल्जाम आए कर दिया और उन्होंने कहा ये तो सारी डोर वहाँ से आती है और असल में कतल वहाँ बैठे हैं उनको संभालना ज़्यादा जरूरी है ये है इनकी नेचर इनकी सोच और इनकी सोच पे जितने भी जूते मारे जाएं मेरा ख्याल है उतना कम है उस दूसरी जानेब एक और खबर है आ, ये सारी इसलिए ये गुस्सा इसलिए है कि आ, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि गुस्सा क्या है फिर उन्होंने तकरीर में नौ मई का बड़ा तस्करा किया जबकि हमारे पास जो इतलात हैं अब नौ मई से अब पाकिस्तान जो है वो पहले ही इस चीज़ को उस तरह से नहीं लेते ये चंद लोग थे जिन्होंने नौ मई का बयानिया बनाया और उसका सारा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया मजमू तौर पर अब जो फाज पाकिस्तान के अंदर नई सोच डेवलप हुई है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इनाफ एक मुहब वतन जमात है और ये गद्दारी बगावत के मुकदमा ये गलत थे और इनके साथ बैठा जाए इनके साथ बातचीत की जाए और आवाम इनके साथ हैं तो फिर पाकिस्तान की फौज को बतौर इदारा इनके साथ इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और इस तरह के इकदाम नहीं करने चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लेकिन पहले ज़रा एक कल रावलपिंडी में एक दुआइया तकरीब थी और लियात बाग में पहले इजाज़त मांगी गई इजाजत नहीं दी गई उसके बाद एक दुआया तकरीब हुई और दुआ या तकरीब के बादन तौर पर एक दुआ की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए और दीगर जो सियासी असीर हैं उनके लिए बहुत तफसील से और बड़े पुरान तरीके से जैसे दुआ होती है रात थी दुआ करके उसके बाद सारे के सारे अपने अपने घरों को चले गए लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उस पर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इमरान खान साहब के हक में दुआ क्योंकि ये है और मुसलमानों को अब दुआ का हक भी नहीं है पाकिस्तान और रावलपिंडी शहर में पंजाब में तो जो एफ आई आर दर्ज की गई वो एक एस एच ओ ने दर्ज की सब इंस्पेक्टर सजाद अहमद की खिदमत हासिल की गई वो मुदई बने जाहिर उनको ऊपर से हुक्म आया होगा कि ये मुकदमा दर्ज करवा दें और मुकदमा दर्ज हुआ है अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है और सैनेटर सीमी जैदी हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद हैं आसमा कदीर हैं और मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक हैं राजा ऊसमान हैं और खलीक़ केानी हैं और मीर अफजल हैं और इसके साथ ही शौकत बसरा हैं कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर हैं और तारक अजीज़ भट्टी हैं और न्याजुल्ल न्याजी हैं शहरिया रियाज हैं तनवीर असलम हैं सिमाबिया ताहिर हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इल्ज़ाम क्या है इन्होंने सिर्फ एक दुआ की थी इमरान खान और सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए एक और ये इससे आप बहुत अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि इनके हाल, आ, इनकी हालत कितनी पतली है कितने खौफजदा लोग हैं एक तरफ ये कहते हैं डेमोक्रेसी और बुनियादी इंसानी हकूक और सब कुछ लेकिन चूंकि फार्म सैतालीस की पैदावार है इस फार्म इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद है जी एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बताया था ओपन कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को भी खरी खरी सुनाई थी और गवर्नमेंट को भी खरी खरी सुना दी थी जस्टिस काजी फाज साहब ने उनको रोका भी था लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की थी तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक खड़ा किया और उनके खड़ा का यह असर हुआ किमिश्नर फौरन ही, फौरन ही रावल पिंडी को मैसेज चला गया को को मैसेज चला गया कि जनाब हालात खराब है क्योंकि 9 नौ मई के आठ मुलजमान की रिहाई की गई थी और उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था एम पी ओ के तहत और इस पे जस्टिस अतर साहब ने कहा था कि ये कोर्ट ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर जुडिशरी के ऑर्डर को उनके फैसलों को फ्रस्ट्रेट किया जाता है उनकी की जाती है और जमानतें होती हैं और जमानतें होने के बाद एम पी ओ जारी किए जाते हैं और एम पी ओ जारी करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लिहाजा डेपर रावल पिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, के आठ कारकुनान की नजरबंदी के अहकाम वापस ले लिए हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया लाहौर हाईकोर्ट रावल पिंडी बेंच के सामने और उन्होंने बताया जी कि हमने अहकाम वापस ले लिए हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुमाली शुमाली पंजाब की सदर सिमाविया ताहिर ने फिर अपनी पटिशन भी वापस ले ली और इस तरीके से अब ये एम के जो एक था काला कानून जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था पहले भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एस एस पी इस्लामाबाद जो हैं वो तोहही अदालत के जुर्म में सजा याफ्त हो चुके हैं और उनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सुनाई थी और अभी तक वो आर्जी तौर पे मअल हैं सजाएं जो हैं वैसे नहीं और उस पर वही एक यही इशू था कि जो एम के ऑर्डर जारी किए जाते थे यही काम अब सनम जावेद और आयशा सनम जावेद और आलिया हमजा के साथ हुआ है और उनका सायरा बानो ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि आलिया हमजा और सायरा बानो जो हैं वो उन्होंने 9 मई को उनके पास कोई तैयारा था कोई स्यारा था कोई जहाज था आ, कोई उड़न खटोला था कि वो आ, वो आग लगाती रही नौ मई को लाहौर में पहले आग लगाई फिर गुजरावाला में लगाई फिर मियाँ वाली में लगाई फिर किसी और शहर में लगाई यानी कि वो सारा दिन वो ये काम करती रही हैं उनके पास हेलीकॉप्टर था जहाज था कौन सी इतनी बर्फ रफ्तार सर्विस थी जिसकी वजह से वो ये काम करती रही क्योंकि उनको गिरफ्तार करके अडे मियाँ वाली में उनको रखा गया जी तो ये भी एक ये इंतकाम की मिसालें दे रहा हूँ कि ये इंतकाम जो है लिया जा रहा है लिहाजा ये अब थोड़ा सा मसला जो है वो साफ होता जा रहा है आ, उसके बाद ये आ, मामला क्या है असल मामला ये है को, आ, कोर कमांडर हेडक्वार्टर में वहां पे बुलाया वहां पे उनको ब्रीफिंग दी गई ब्रीफिंग देने के बाद उनके साथ अफ्तारी भी की गई गपशप भी लगाई गई ये सब कुछ हुआ और सिक्योरिटी रिलेटेड मामला आ, कोर कमांडर ने उनको ब्रीफ किया सूबाई काबीना को सूबाई हुकूमत को और इस पर बहुत ज्यादा शुरु हो, हो गया और काफी परेशानी पाई जाती है कि जनाब ये क्या हो गया ये तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो कोर कमांडर हाउस में सुबह काबीना की मीटिंग हो गई सुबाही काबीना का इजलास हुआ अब ये पुरोपेगंडा जिस तरीके से किया जाता है जबकि यही इसी नौत की मीटिंग पंजाब में भी हुई और वहां पर अपेक्ष कमेटी का इजलास हुआ और ना उसके बाद इधर जो है कोर कमांडर ने बुलाया अब ये बड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है और इसको इस तरीके से किया गया कि आप ये देखें कि कोर कमांडर पेशावर अगर वजीर अला खैबर पखतूनखा को बुला रहे हैं और यह भी उनको पता है कि इनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया अली अमीन गंडापुर के साथ उनको उठाया गया उनको पंजाब में उनको सिंध में उनको बलोचिस्तान में उनको करंट लगाया गया उन पर तशद्द किया गया उनकी बेजती की गई और तोहन की गई बेतौीरी की गई सब कुछ किया गया और जितना भी गैर इंसानी सलूक समझा जाता है उनके साथ किया गया उन पर बगावत के मुकदमाते हैं उनके बेगदारी के मुकदमत हैं और ये सब कुछ उनके साथ हो चुका अभी भी वो मुलजम है जमानत पर रहा है और उनकी डिस्कालीफिकेशन के लिए भी आ, कहा गया जी हम डिस्कवालीफाई करवाएंगे तो ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद इसी तरीके से जो सूबाई का बीना है खबर पखतनखा की उसमें भी बहुत सारे मुल्जमान नामजद हैं लेकिन इसके बावजूद अगर कोर कमांडर पिशावर बुलाते हैं और इसका मतलब ये है कि वो इनको गद्दार नहीं समझते इनको बागी नहीं समझते इनको मुजरम नहीं समझते इनको दहशतगर्द नहीं समझते और अगर इनको नहीं समझते इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं समझते ये वो सोच है जो कि फौज के अंदर पाई जाती है और ये पहले दिन से पाई जाती है क्योंकि एक है बहुत ही इंतहा पसंद जो है एक्स्ट्रीम लेवल की सोच और अप्रोच क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये जो 12 मई का वाक़ है इस पर इस हद तक आगे ना जाया जाए कि नफरतें ही नफरतें फैला दी जाए और फिर इनसे पीछे हटते हटते मुद्दतों लग जाए क्योंकि नौ मई और नौ मई की आड़ में जो कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के आवाम के साथ में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के आवाम के, के साथ जो कुछ किया गया वो एक सहबाब है और वो अगर ना होता तो बहुत बेहतर होता लेकिन वो नफरत अब जो है वो सोसाइटी में फैल चुकी है और इस नफरत को इसी तरीके से खत्म किया जा सकता है कि जो सोच पाई जाती है पॉजिटिव सोच पाई जाती है इदारे के अंदर भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाकिस्तान ही समझा जाए पाकिस्तानी आवाम को वो भी पाकिस्तानी अवाम है और उनके ये जाति उमरा के प्यार में और मरीम साहबा की अकीदत में इस हद तक मुबतला ना हो जाया जाए कि आप पच्चीस करोड़ आवाम की जो साठ फीसद पैंसठ फीसद आबादी है उसको आप अपना दुश्मन तसवर कर लें और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें और जो आपको गालियाँ देते हैं मुसलसल गालियाँ देते हैं धमकियाँ भी देते हैं ब्लैक भी करते हैं वीडियोज भी बनाते हैं आप उनको सीने से लगाएं और यह सिलसिला नहीं चल सकता लिहाजा ये वो सोच है जो कि पैदा हुई है और यह पॉजिटिव एक आई है सेंस तो उस पॉजिटिव सेंस को सबोटाज करने के लिए अब मरीम साहबा जो हैं वो नौ मई का भी बार बार जिक्र करती हैं और खैबर पख्तुनखा के अवाम पे इल्जाम भी लगाती हैं मेरा ख्याल है कि इन चीजों का तदारुक करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो इसके साथ साथ एक और खबर भी आपसे शेयर कर लू कि सुप्रीम कोर्ट के मजीद ऑनरेबल जजेस जो हैं उनको खतूत और धमकी अमेज़ खतूत मिले हैं और न सिर्फ खतूत मिले हैं बल्कि केमिकल भी मिला है और सारे का सारा केमिकल जो है वो इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये जहरीला केमिकल है और इससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है अगर ये खुदान खास्ता इस्तेमाल कर लेते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता और इससे ऑनरेबल जजेस जो हैं उनकी सेहत उनके असाफ़ और उन पर काफी असर होना था ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा एक वाक्य है और इसको कैसे अनफोल्ड होगा इसका इंतजार करना है और हम इंतजार कर रहे हैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़